हेलो स्टूडेंट्स हाउ यू आई होप यू लव फाइन एंड डूइंग योर स्टडी रेगुलरली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर एटीन दैट इज़ पोल्यूशन ऑफ़ एयर एंड वाटर ठीक है एयर में और वाटर में पोल्यूशन उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इज वॉट इज मेंट बाई पॉल्यूशन द प्रजेंस ऑफ अनयूजअली हाई कॉन्सनट्रेशंस ऑफ हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसिस इन द एनवायरमेंट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन मीन्स हार्मफुल सब्सटेंसेज का या जो पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं उनकी बहुत अधिक मात्रा में या उनकी अधिकता किस में एनवायरमेंट uh, में कहलाता है क्या पॉल्यूशन के सेकेंड इज़ पोल्यूटेंट

लाइक सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड स्मोक एंड डस्ट इट्स कॉल्ड एयर पोल्यूशन मीन्स किसके द्वारा कंटेमिनेट हो जाना एयर का हार्मफुल गैसेज हार्मफुल गैसेज के द्वारा एयर का दूषित हो जाना या कंटेमिनेटेड हो जाना कहलाता है एयर पॉल्यूशन कौन कौन सी गैसेज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड स्मोक हो गया धुआं है ना और डस्ट डस्ट भी एयर पोल्यूशन का एक मतलब रेस्पॉन्सिबल एयर पोल्यूशन का रेस्पॉन्सिबल एक कारण है ओके नेक्स्ट टॉपिक एयर पोल्यूटेंट एयर पोल्यूशन का डिस्कस कर लिया किससे एयर पोल्यूशन होता है अब एयर पोल्यूटेंट दैट सब्सटेंस हु परजेंस इन एयर मैक्स इट इमप्योर इस कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट वो सब्सटेंस जो एयर को इमप्योर बना देते हैं कहलाते हैं एयर पोल्यूटेंट इज इट क्लियर फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफ्लोरोबन डस्ट स्मोक फ्लाई एस ठीक है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन डस्ट स्मोक धुआं डस्ट मीन्स जो मिट्टी के बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना सैंड के या मिट्टी के किसी के कुछ भी बोल सकते हो आप सैंड के नहीं बोल सकते मींस मिट्टी के छोटे बहुत ही छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ओके एंड फ्लाई एस उड़ती हुई जो राख होती है वो ओके okay? ये सारे एयर पोल्यूटेंट होते हैं जो एयर को कंटेमिनेटेड कर देते हैं ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन फर्स्ट इज़ स्मोक एमिटेड फ्रॉम होम्स बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड खाउ जंग कैक्स कैरोसिन एंड कोल कोजेस एयर पॉल्यूशन ओके स्मोक कहाँ से निकला हुआ घरों से एमिटेड मीन्स होता है निकला हुआ या निकली हुई घरों से निकला हुआ स्मोक निकला हुआ है ना स्मोक घरों से निकला हुआ बाई द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स फ्यूल्स के जलने से जैसे कि वुड खाउड एक्समिन जो गोबर जो मतलब उपले वगैरह जो इनके गोबर से बनाए जाते हैं गाय भैंस के से कैरोसिन एंड कॉल कॉजेज एयर पोल्यूशन सेकेंड बाई मोटर व्हीकल्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल मोटर व्हीकल्स से क्या क्या निकलता है जल के पेट्रोल और डीजल जो जलता है मोटर व्हीकल्स में उससे धुआं निकलता है ना उससे भी एयर पोल्यूशन होता है थर्ड इज़ बाय फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ कॉल फैक्ट्रीज में और थर्मल पावर प्लांट में क्या जलने से कोल के जलने से भी कोल के जलने से भी स्मोक सॉरी धुआं निकलता है ना स्मोक तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है नेक्स्ट इज स्टोन क्रशर्स सीमेंट फैक्ट्रीज एंड एज बेस्टोज फैक्ट्रीज एंड लीड प्रोसेसिंग यूनिट्स इनमें सारे में भी काफ़ी सारे डस्ट वग़ैरह इनसे निकलती है उससे भी क्या होता है एयर पोल्यूशन ओके नेक्स्ट इज ऑयल रिफाइनरीज एंड इंडस्ट्रीज ऑयल रिफाइनरीज से एंड इंडस्ट्रीज से एंड यूज़ ऑफ क्लोरो क्लोरोबन इन रेफ्रिजरेट रेफ्रिजरेशन जो अपना रेफ्रिजरेटर होता है मीन्स फ्रिज उसमें जो क्लोरो क्लोरो कार्बन होता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है ओके लास्ट इज स्मोकिंग स्मोकिंग से भी तो स्मोक निकलता है ना तो उससे भी क्या होता है एयर पोल्यूशन होता है इज इट क्लियर अंडरस्टूड एवरीबडी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन समझ आ गया ना स्मोकिंग स्मोकिंग करने से भी क्लोरो से ऑयल रिफाइनरीज एंड इंडस्ट्रीज़ में मीनस ऑयल रिफाइनरीज एंड इंडस्ट्रीज़ में इन द प्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स कॉज एयर पोल्यूशन ठीक है ऑयल इनमें जो मैन्युफैक्चर होता है मेटल्स का केमिकल्स का इससे भी क्या होता है एयर पोल्यूशन होता है इज़ इट क्लियर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन समझ आ गया सभी को सेकेंड टॉपिक इज़ सॉरी नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है एयर पोल्यूशन के लेट डिस्कस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन फर्स्ट इज सल्फ़र डाइऑक्साइड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द बर्निंग ऑफ कल पेट्रोल एंड डीजल ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है सल्फर डाइऑक्साइड कॉल जलने से कॉल पेट्रोल और डीजल के जलने से इट कॉजेज रेस्पाइटरी प्रॉब्लम्स इससे क्या होती है रेस्पाइटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाती है इफ़ मे इट में इवन कोज परमानेंट लंग डैमेज सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन पोल्यूटेड एयर प्रोड्यूस एसिड रेन आल्सो ठीक है हार्मफुल इफेक्ट्स है इसके रेस्पाइटरी रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स इससे हो जाती है इससे क्या होता है परमानेंट लंग डैमेज भी हो जाते हैं ओके लेट डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स ये किससे प्रोड्यूस होती है पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स में जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड अटैक्स ब्रीदिंग सिस्टम एंड लीड टू लंग कंजेशन इससे क्या होता है ये लंग्स को मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्रीदिंग सिस्टम पर अटैक करती है एंड लीड लीड टू लंग कंजेशन मीन्स जो अपना लंग कंजेशन मीन्स दमा की या अस्थमा की जो बीमारियाँ होती है वो इससे हो जाती हैं दे आल्सो अटेक स्किन स्किन को भी अटैक करता है इट प्रजेंट इन पोल्यूटेड एयर प्रोड्यूस एसिड रेन एंड स्मोक आल्सो इसका ये एयर में प्रजेंट होने से या एयर में इसके होने से एसिड रैन हो जाती है एसिड रेन होती है एंड स्मोक भी हो जाता है धुंध सा नहीं होता है क्या उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होती है कौन नाइट्रोजन ऑक्साइड इज इट क्लियर देखो वॉट इज मिंट बाय स्मोक वैसे हिंदी में स्मोक को हम धुंध कहते हैं फिर भी आ, इसके टर्म्स देखिए आप इट इज़ ए डेडली एयर पोल्यूटेंट विच इज़ फोड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोक स्मोक एंड फोक स्मोक और फोक के कॉम्बिनेशन से जो पोल्यूटेंट एयर होती है उसे हम स्मोक बोलते हैं नेक्स्ट फोक फोक क्या होता है द मिनट वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ ड्यूरिंग कोल्ड वेदर इन विंटर इस कॉल्ड फॉग फॉग किसे कहते हैं सर्दियों में जो छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं जो अर्थ के सर्फेस के पास उसे ही तो बोलते हैं हम फोग आता है ना सर्दियों में फोग कुछ भी दिखाई नहीं देता है इज इट क्लियर नेक्स्ट है स्मोक कोजेस कफ एंड एग्रिवेट्स अस्थमा एंड अदर लंग्स डिजीज स्मोक की वजह से कफ और जो बढ़ा देता है एग्रीवेट मीन होता है बेटा बढ़ा देना अस्थमा एंड अदर लंग्स डिजीज अस्थमा को और और भी कई जो दूसरी लंग्स की जो डिजीज होती है बीमारियां होती है उसको ये बढ़ा देता है इज इट क्लियर नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कम्बेशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड कोल कैरोसिन पेट्रोल डीजल कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट कंबस्टन मीन्स कंप्लीट नहीं जलने पर इनकम्प्लीट कम्बशन कम्बशन का समझते हो ना द प्रोसेस ऑफ बर्निंग मींस जलने की प्रोसेस कहलाती है कम्बसन और इनकम्प्लीट कम्बशन मीन्स हो गया पूर्ण रूप से नहीं जलना इनका और फ्यूल्स लाइक वुड, खोल कैरोसिन पेट्रोल एंड डीजल इन सब चीज़ों का पूरी तरह से नहीं जलने पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या है एक एयर पोल्यूटेंट है इज इट क्लियर सिगरेट स्मोक ऑल्सो कंथेंस कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट का जो स्मोक होता है उसमें भी क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड इट कम्बाइंस विद द हीमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ये क्या होता है फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो अपने ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके साथ कम्बाइन हो जाता है और किसकी किसको घटा देता है रिड्यूस कर देता है जो ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी होती है ना ब्लड की तो उसको ये कम कर देता है दिस से लैक ऑफ ऑक्सीजन कोजेज रेट रेस्पाइटरी रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स इट कोजेज़ सफोकेशन ऑल्सो इससे क्या होता है जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में या अपनी बॉडी में वो रेस्पाइट रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स का कारण होती है श्वसन संबंधी कई प्रॉब्लम्स हो जाती है इट कोजेस सफ़ोकेशन सफोकेशन भी इसका इसके कारण क्या होता है सफोकेशन होता है मीन दम सा घुटता है साँस लेने में दिक्कत होने लगती है दम घुटने लगता है समझते हो ना शफोकेशन क्या होता है ओके नाउ नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फ्यूल्स ये कब प्रोड्यूस होती है जब बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल्स को जलाया जाता है तो कॉन्सिडर्ड ए पोल्यूटेंट इट लीड्स ग्लोबल वार्मिंग ये एक वैसे तो एनवायरमेंट का या एयर का जो एटमोसफेयर uh, है उसका मेन पार्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन इसकी अधिकता इसके अधिकता होने पर ये पोल्यूटेंट कहलाता है और इसकी वजह से क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है ठीक है इज इट क्लियर ओके बेटा आई थिंक इनफ फॉर टुडे अपन हम डिस्कस कर रहे थे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन चारों के हार्मफुल इफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं एंड अबाउट रिमेनिंग टॉपिक्स फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो सो वोज वीडियो केयरफुली मेक प्रॉपर नोट्स एंड लर्न आल्सो Okay, thanks and have a nice day.